फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप लोग? मैं ठीक हूँ, आप लोग भी ठीक ही होंगे। तो आज हम बना रहे हैं फ्रेंड सरसों पालक की साग बंगाली स्टाइल में। तो ये देखिए, हमने सरसों पालक को अच्छे से चुन लिया है और अब इसको मैं अच्छे से बारीकी से काट लूँगी। और काटने के बाद अच्छे से हम साफ़ पानी में धो लेंगे इसको। और हमने गैस ऑन कर लिया है अब इसको बनाने के लिए। और गैस पे पैन रख रखा है हमने, और इसमें सरसों का तेल डालेंगे। सरसों के तेल में बहुत अच्छी बनती है ये साग। तो इसमें सूखी मिर्च 3 से 4 डालेंगे तोड़ के, हरी मिर्च भी 3 से 4 तोड़ के डालेंगे इसको हम अच्छे से। आप काट के भी डाल सकते हो, बारीकी कटी हुई भी डाल सकते हो। और हम इसमें अदरक लहसुन कूच के डालेंगे, इसका पेस्ट बना के नहीं डालेंगे हम, कुटी हुई डालेंगे। और इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, हम फ्राई कर रहे हैं इसको। तो अच्छे से फ्राई करने से इस साग में ना इस अदरक लहसुन का टेस्ट आ जाता है, जो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और ये साग भाजा है, बंगाली स्टाइल में बना रहे हैं हम इसको। साग नहीं बना रहे, साग भाजा बना रहे हैं। तो ये देखिए, हमारा लहसुन अदरक फ्राई हो चुका है। और अब इसमें हम साग डालेंगे। ये देखिए, हमने इसमें साग डाल दिया। और इसको हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो ये जल जाएगी, इसकी जो पानी, साग में पानी वानी तो हमें डालना नहीं है। जो हम इसके ऊपर से नमक डालेंगे, देखिए हमने साग डालने के बाद हमने नमक डाल दिया, तो इससे साग से पानी निकलती है, छूटती है। तो इसी के पानी से हम साग को पकाएंगे। तो हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे और ये अच्छे से पक जाएगी। अगर हाई फ्लेम पे हम पकाएंगे तो ये जल जाएगी और फिर हमें वो टेस्ट नहीं आएगा जैसा टेस्ट हम बनाना चाहते हैं। तो आप इसे मीडियम फ्लेम पे ही पकाना। और देखिए, ये हमने साग डाल दिया और इसको अच्छे से चला के हम इसको 15 मिनट तक के लिए ढक देंगे। जब इसका सारा पानी सूख जाएगा साग का, तो फिर हम इसको अच्छे से कलछी से मिला देंगे अच्छे से। ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा तुमको, मैं चुरा लूंगा तुमसे, दिल में छुपा लूंगा। ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा तुमको, मैं चुरा लूंगा तुमसे, दिल में छुपा लूंगा। तो फ्रेंड्स, इसको हमें बीच बीच में चलाते भी रहना है, और नहीं तो ये नीचे से जल जाती है। देखिए, ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा तुमको, मैं चुरा लूंगा तुमसे, दिल में छुपा लूंगा। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा साग भाजा तैयार हो चुका है खाने के लिए। तो साग भाजा की रेसिपी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।